Hi guys, welcome to EduTap. So if I talk about social security, which is a very, very important component in both APFC as well as EO and AO examination. So one important thing, one important query, जो कि बहुत ही genuine query है aspirants के mind में, कि इस component को कैसे prepare करें, किस हद तक prepare करें, और ये query आ क्यों रही guys, क्योंकि syllabus well defined नहीं है. So if you see the syllabus, वहाँ पे एक simple term mentioned है, that is social security. और यही सबसे बड़ा reason है जो aspirants के मन में queries आ रही है इस type की, कि कहाँ से prepare करना है, कैसे prepare करना है, कौन से ऐसे areas हैं जो इस component ने prepare करना है, यही उसका main reason है. So guys, in this video we are going to discuss the perfect strategy to cover social security for both APFC as well as EO and AO examination. Guys, at the end of this session, आपके पास पूरी clarity रहेगी with respect to this component, कि इसको कैसे prepare करना है, sources क्या होने चाहिए, कौन-कौन से areas जो आपको cover करना है, ये सारी की सारी clarity आपको इस session के end में होने वाली है. इस component से related सारे doubts आपके resolve हो जाएंगे. तो चलिए friends, start करते हैं. बट फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं इंटरनेट पर इन ऑर्डर टू कलेक्ट एंड गैदर इन्फॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द एपीएफसी एग्जामिनेशन. उसके बाद भी यू आर नॉट एबल टू गेट रिलायबल एज वेल एज द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. सो गाइज, दैट इज वाई हमने EduTap में ये गाइड बुक लॉन्च की है, विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक फॉर एपीएफसी, राइट. तो जो लोग एपीएफसी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं गाइज, ये गाइड बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए एपीएफसी बनने के लिए वो इस गाइड बुक में है. और ये हार्डली 30 पेज की गाइड बुक है, बहुत ज्यादा बल्कि भी नहीं है, जिसमें आपको टाइम लगेगा. बट गाइज, इस गाइड बुक के बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं, क्योंकि एक बार आपने इसको रख लिया, आपने रेफर कर लिया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी जो आपको हेल्प करेगी एपीएफसी बनने के लिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग फ्रॉम ईपीएफओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ईपीएफओ में ऑर्गेनाइजेशन में क्या हायरार्कीज हैं, क्या डिपार्टमेंट्स हैं. इफ आई टॉक अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ एपीएफसी, उसका सिलेबस क्या है, रिक्रूटमेंट पैटर्न क्या है, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी, सैलरी प्रोफाइल, ईच एंड एवरीथिंग. इफ आई टॉक अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ एपीएफसी, देन इन दैट केस रिसोर्सेस क्या रेफर करने हैं आपको, सिलेबस क्या है, अलग अलग डिकोडेड सिलेबस, रिसोर्सेस क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगी. और ऑल्सो गाइज, 6 स्टेप्स फॉर्मूला बाई फॉलोइंग विच यू कैन क्लियर, यू कैन बिकम एपीएफसी. तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस गाइड बुक में है. नाउ द थिंग इज, आपको इसको अवेल कैसे करना गाइज, तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डू नॉट नीड टू पे इवन अ सिंगल रूपी, ठीक है, कंप्लीटली फ्री है. आपके बेनिफिट के लिए गाइड बुक लॉन्च की गई है, ताकि आप जो टाइम वहां वेस्ट कर रहे थे उसको आप अपनी स्टडीज में लगा सकें और एक बेहतर आउटपुट ला सकें, राइट. चलिए गाइस, प्रोसीड करते हैं अपने एजेंडे की तरफ. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा या आना चाहिए, कैन आई मैनेज टू क्लियर ईपीएफओ एग्जाम, बोथ एपीएफसी एज वेल एज ईओ एंड ओ एग्जामिनेशन विदाउट रीडिंग सोशल सिक्योरिटी, ठीक है. तो क्या आप बिना सोशल सिक्योरिटी के पढ़कर आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं गाइस? सो द आंसर इज नो. माई रिस्पॉन्स वुड बी दिस, ठीक है, मेरा रिस्पॉन्स ये रहने वाला गाइज, अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो. वाई दिस इज सो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट भी है और एक स्पेशल कॉम्पोनेंट भी है. वॉट डू आई मीन बाई की स्पेशल कॉम्पोनेंट है गाइज? स्पेशल कॉम्पोनेंट इसलिए है क्योंकि जो सोशल सिक्योरिटी वाला जो कॉम्पोनेंट है वो जनरली आप किसी और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, राइट. वो एपीएफसी, ईओ और एओ एग्जामिनेशन के लिए ही आपको पढ़ना पड़ता है. सो दैट मेक्स दिस कॉम्पोनेंट वेरी वेरी स्पेशल, राइट. बहुत ज्यादा स्पेशल है ये. तो अगर स्पेशल कॉम्पोनेंट जो इस एग्जाम के लिए ही स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है, तो डेफिनेटली वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहां पे इसका वेटेज भी बहुत रहने वाला है. तो इसका मतलब क्या है गाइज, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको इसे कवर करना ही पड़ेगा, राइट. सो द थिंग इज, ये आपको समझ में आ गया, आपको ये सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी, राइट. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर मैं इसे बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है. हाउ डू आई नो दैट दिस कॉम्पोनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट इज द एविडेंस दैट दिस कॉम्पोनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो द बेस्ट एविडेंट कैन बी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट. सो हियर यू कैन सी, इफ आई टॉक अबाउट एपीएफसी 2012 एग्जामिनेशन, सो देयर वर 8 questions asked from this component. If I talk about APFC 2015 examination, so 9 questions were asked from this component that year, right? If I talk about EO and AO examination of 2017, so 5 questions were there from this component. And if I talk about EO and AO examination of 2021, so 4 questions were there in the examination from this component, which means कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट. सो हमने कैसे, हमने डिस्कस किया कि स्पेशल कंपोनेंट क्यों है, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग दिस कंपोनेंट फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन, राइट. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में इस कंपोनेंट से आ रहे हैं, राइट गाइज.
नाउ द थिंग इसी करना तो पड़ेगा गाइस, क्यों? क्योंकि हमने देख लिया बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। सो द मेन थिंग आपको करना तो इसे पड़ेगा। नाउ अब इसको आपको प्लान करना पड़ेगा, इसको आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि आपको करना कैसे है, कहां से करना है, तो वो इंपॉर्टेंट, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या करें, कहां से करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यही क्वेश्चन हम यहां पे इस वीडियो में आपका रिजॉल्व करने वाले, राइट? इस वीडियो के एंड में आपके पास जितने भी क्वेश्चन मार्क है विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉम्पोनेंट वो आपके रिजॉल्व हो जाने वाले, राइट? चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम बात करें सोशल सिक्योरिटी की, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको मतलब समझना है सोशल सिक्योरिटी का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल सिक्योरिटी, राइट? अगर वहां पे सिलेबस में चीजें लिखी सोशल सिक्योरिटी, तो सबसे पहले आपको समझना है कि उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। सो गाइज यहां पे आप देख सकते हैं सोशल सिक्योरिटी का जो मतलब है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स अनएम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट सेक्टर के लिए दिए जाते हैं, राइट? हेल्थ और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट फार्मर्स एंड क्रॉप इंश्योरेंस बेनिफिट्स, बेनिफिट्स फॉर अंडर प्रिविलेज सेक्शन लाइक पुअर, विडोज, ऑर्फन चिल्ड्रन एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे सोशल सिक्योरिटी का ही पार्ट है, राइट? तो सोशल सिक्योरिटी का अगर आपको बेसिक मीनिंग क्लियर है गाइज, सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी एग्जाम में जो आप सिर्फ मीनिंग के बेसिस पर ही आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहां पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, लाइक सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स टू पर्सन फेस्ड विथ सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉप फेलियर, लॉस ऑफ द मैरिटल पार्टनर, ठीक है? अब आपको यहां पर राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो अगर आपको क्लैरिटी है कि सोशल सिक्योरिटी हम बोलते किसे हैं, सो इन दैट केस आप यहां पर ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके लिए आपको इससे ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं थी। सिंपल नॉलेज क्या चाहिए था आपको, सिंपल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए था आपको कि आप इसका मीनिंग समझ रहे हैं, राइट? सो दैट इज वाई गाइज इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आपको अपना माइंड भी अप्लाई करना है। सारी चीजें कॉन्टेंट बेस्ड नहीं आएंगी, आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी माइंड लॉजिक लगाकर भी आप इजिली राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है? नाउ गाइज अगर मैं बात करूं सोशल सिक्योरिटी की, सो सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है और इसमें कितने कॉम्पोनेंट्स हैं, तो इसे बेसिकली टू कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड सोशल सिक्योरिटी लॉज, दैट इज लेजिस्लेशन, ठीक है? अगर हम बात करें इन दोनों के ही वेटेज की, अगर हम इसका इंटीग्रेटेड या कंबाइंड वेटेज देखें इस कंपोनेंट का मेन एग्जाम में, सो दैट इज अराउंड 8 to 10 marks, ठीक है? 8 to 10 marks का इसका वेटेज है, जो डेफिनेटली कम तो नहीं होगा, बढ़ सकता है क्योंकि स्पेशल कंपोनेंट, राइट? तो 8 to 10 marks इसका बेसिकली स्पेशल जो इसका जो वेटेज है वो 8 to 10 marks का मेन एग्जामिनेशन में। और अगर हम बात करें सब कॉम्पोनेंट्स की, तो यहाँ पे इसमें दो सब कॉम्पोनेंट्स है, दैट इज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड सोशल सिक्योरिटी लॉज। तो इन दोनों का इंडिविजुअली कितना है वेटेज, 4 to 5 marks का यहाँ पे स्कीम्स का भी है और 4 to 5 marks का यहाँ पे लॉज का भी है। मतलब यहाँ पे जो दोनों का वेटेज है लगभग इक्वली, राइट? इसका मतलब क्या है कि आपको दोनों ही चीजें कवर करनी है, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स? Now guys, so if I talk about social security schemes, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे social security schemes के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे social security laws के बारे में, right? तो अगर मैं बात करूं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तो उसमें कुछ ऐसी थीम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे की सारी स्कीम्स पढ़ना है। तो गाइज हमने आपके लिए चीज डिकोड की है कि ये वो थीम्स हैं, ये वो एरियाज हैं जिनके अंडर में जो भी स्कीम्स लॉन्च की जा रही हैं वो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है? इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इफ यू टॉक अबाउट हेल्थ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, ठीक है? इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। फार्मर्स एंड क्रॉप इंश्योरेंस बेनिफिट्स, इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स होंगी दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बेनिफिट्स फॉर अंडर प्रिविलेज सेक्शन लाइक पुअर, विडोज, ऑर्फन चिल्ड्रन एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एंड दे हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट गाइस? बट द क्वेश्चन इज कि इतनी सारी स्कीम्स कई बार पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि काफी स्कीम्स हो सकती हैं। तो क्या इन एरियाज में से, इन थीम्स में से भी कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सो द आंसर इज येस, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एंड व्हाई दिस इज सो गाइज, ऐसा क्यों है कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यू आर अपियरिंग फॉर ईपीएफओ एग्जामिनेशन, ठीक है? आप ईपीएफओ एग्जामिनेशन के लिए अपियर हो रहे हैं, चाहे वो एपीएफसी हो चाहे वो एओ एंड ईओ, राइट? तो दोनों ही एग्जामिनेशन ईपीएफओ के लिए कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिसका मेन काम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर से रिलेटेड ही है, राइट? एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से रिलेटेड ही है। तो दैट इज वाई स्कीम्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये इसका सिंपल सा लॉजिक है कि ये एरिया, ये जो थीम है आपका, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? अब इसमें भी अगर हम बात करें तो क्या इससे रिलेटेड सारी की सारी स्कीम्स आपको पढ़ना है गाइस? तो ये स्कीम्स वो स्कीम्स है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम दीज एरियाज लाइक ईपीएफ,
नेशनल पेंशन सिस्टम, अटल पेंशन योजना, पीपीएफ और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये आपको कवर करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते गाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है दैट यू नीड टू कवर If you are preparing for social security schemes, ठीक है, तो हमने क्या समझा गाइस कि अगर हम बात करें social security schemes की, तो वहां पे ये areas हैं जो बहुत ज्यादा important है, और इन areas में से भी ये area that is unemployment retirement benefits most important है, और इस area के अंदर further ये schemes बहुत ज्यादा important है, right? तो इसी तरीके से हम आपको minute level पर चीजें बता रहे हैं ताकि आपके preparation में एक proper आपको help मिल सके, एक guidance मिल सके, और आप proper तरीके से चीजों को strategize कर सके। इतनी ज्यादा चीजों में आप उलझ कर ना रह जाएं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें आप कवर करें जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी आज इन द एग्जामिनेशन, राइट। नाउ गाइस, इफ यू टॉक अबाउट ईपीएफओ, तो ईपीएफओ से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट ईपीएफ स्कीम ऑफ 1952, पेंशन स्कीम ऑफ 1995, इंश्योरेंस स्कीम 1976, ये सारी की सारी ईपीएफओ मैनेज करता है, राइट। तो ये स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन स्कीम्स को जहां से भी मैनेज किया जाता है, जहां से भी गवर्न किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट ईपीएफ स्कीम 1952, सो इसके लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पेंशन स्कीम 1995, Employees Pension Scheme 1995, right? और Insurance Scheme 1976, that is Employees Deposit Linked Insurance Scheme 1976. ये वो areas हैं जो बहुत important हैं। अब इन schemes को जो भी act govern करते हैं, वो act automatically important बन जाते हैं, right? तो आपको यही याद रखना guys कि इन schemes से related जो भी acts हैं, जिन भी acts के अंदर इन schemes को refer किया गया है, इन schemes के बारे में provisions दिए गए हैं, वो act automatically बहुत बहुत important हो जाते हैं, right? Now guys, next is, here you can see, if we see the example of previous year question, किस तरीके से question पूछे जाते हैं, so here you can see, which of the following are the instruments of providing social security in India? Again the same thing, अगर आपको meaning clear है इसका, कि social security हम बोलते किसे हैं, you can easily eliminate the wrong option, और आप correct option एकदम tick कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे simple आपको logic ही लगाना है, यहाँ पे simple आपको meaning की clarity होनी चाहिए, उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा गया, right? So, this is kind of one question. Another you can see here, consider the following statement with respect to Atal Pension Yojana. I told you already ki Atal Pension Yojana bahut important, right? Unemployment and retirement benefits ke areas mein Atal Pension Yojana bahut zyada important hai. To uske liye kis type ke question puche jate hain, here you can see, right? Wo features hain, important features hain Atal Pension Yojana ke, wahan se question frame kar diya gaya hai. So that is why आपको इन schemes को इतने detail में पढ़ना है कि आप सारे ही के सारे important features आप cover कर लें, क्योंकि examination में schemes definitely आने वाली, right? इनमें से कोई ना कोई scheme definitely आएगी, उसमें आप easily cater कर सकें। इसके लिए आपको क्या जरूरत है कि आप इसे बहुत ही detailed way में पढ़ें, सारे के सारे important features जो हैं schemes के वो आपको cover करने, right? So here you can see the questions related to अटल पेंशन योजना, राइट। सो हियर यू कैन सी गाइस कि अगर मैं बात करूं यहां पे सोशल सिक्योरिटी की, तो यहां पे ये सारे एरियाज हमने देखे इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक क्वेश्चन और देख सकते हैं आप, वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम्स एम्स टू हेल्प बिल्ड और अपग्रेड ड्वेलिंग यूनिट्स ऑफ बिलो द पॉवर्टी लाइन रूरल फैमिलीज, राइट। तो यहां पे देख सकते हैं बेनिफिट्स फॉर अंडर प्रिविलेज सेक्शन से इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। This is again one of the previous year question. आप समझ पा रहे हैं कि जो हमने theme, जो हमने heads यहाँ पे पढ़े हैं, उससे किस type के question frame किए जा रहे हैं, right? तो वो बहुत important है आपके लिए। वही चीजें आपको समझना है कि आपको किसी भी चीज को किस depth तक पढ़ना है, किस level तक पढ़ना है, right guys? Further, if we talk about the previous year question, so here you can see, consider the following statement regarding the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. राइट, अगेन इन्हीं स्कीम्स में से इंपॉर्टेंट हेड एक, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, और अगेन सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ही हैं इस स्कीम के। तो आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट किस तरीके से आपको इन हेड्स में से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, राइट गाइस। Now guys, this is about the social security scheme, जहां पे हमने देखा 5 marks का है, और यहां पे social security laws जो है 5 marks के, right? ये चीज हमने पहले समझी थी, but यहां पे एक important चीज है कि अब social security schemes तो हमने देख लिया, यहां पे कौन कौन से important heads हैं जो आपको पढ़ने हैं, what about social security laws, वो कैसे पढ़ने हैं, और कौन कौन से laws important है, क्योंकि अगर हम बात करें social security laws की, तो बहुत ज्यादा laws है, ठीक है। क्या हमें सारे के सारे एक्ट्स पढ़ने हैं? नहीं गाइस, सारे एक्ट्स नहीं पढ़ने हैं आपको। ये 5 एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको यही एक्ट पढ़ने हैं, दैट इज एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ 1961, और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ऑफ 1972. These 5 acts are sufficient to solve more than 95% of the questions asked from the act in the examination. ठीक है, तो acts में से जो भी question आएंगे examination में social security acts में से, उसमें से आप 95% तक question आप easily solve कर सकते हैं if you have covered these 5 acts.
नाउ द क्वेश्चन इज सिलेबस तो डिफाइंड है नहीं, हमें कैसे पता कि यही पांच एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है? गाइज बाई एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, हमने PYQs एनालाइज किया है और उसको एनालिसिस के बाद हमें यही पता चला है कि ये जो पांच एक्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आपको यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच अडॉप्ट करनी, ठीक है, आपको सारा का सारा पढ़ना आपके लिए पॉसिबल है भी नहीं, पढ़ भी नहीं पाएंगे, रिटेन भी नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कत आएगी आपको रिविजन में, राइट। तो आपको यहाँ पे एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी है जिसके चलते आप इजिली कट ऑफ क्लियर करें और सिलेक्शन के चांसेस अपने ले सके, राइट। तो उसके लिए क्या जरूरत है आपको, इनको पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, मल्टीपल रिविजन दें, क्विज सॉल्व करें, मॉक टेस्ट दें, यही सोल्यूशन है, यही तरीका है इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने का, राइट। सो गाइस दिस इज अबाउट कि आपको कौन से लॉज आपको पढ़ने हैं अंडर सोशल सिक्योरिटी लॉज। नाउ द क्वेश्चन इज किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन भी देखेंगे गाइस तो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। सो द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी वीक्स वेज ड्यूरिंग द मैटरनिटी पीरियड, राइट। तो क्या आपको यहां पे सेक्शंस पढ़ने हैं? नहीं गाइस, सेक्शंस नहीं पढ़ने, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस का आपको पता होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर रीडिंग सेक्शन सो दैट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर यू टू रीड ऑल द सेक्शंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जुडिशरी का एग्जाम नहीं हो रहा है गाइस, ये एक बहुत ही जेनरिक एग्जाम है जो सभी सारी कैटेगरीज के लिए, राइट। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं फ्रेम किए जाएंगे जो किसी एक स्पेशल फील्ड को, एक स्पेशल एस्पिरेंट को यहाँ पे टारगेट करते हो, राइट। सो दैट इज वाई यहाँ पे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शंस को आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं गाइस, क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा भी हार्डली तो एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन से, उसके लिए आप इतने सारे सेक्शंस याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस है अगर सेक्शन आपने देख लिया कोई क्वेश्चन तो आप वहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो फोकस रखना है वो रखना है आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पर, राइट। यहां पे देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस पर्टिकुलर एक्ट से। सिमिलरली यू कैन सी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 कवर्स फैक्टर्स लाइक, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, राइट। अगेन अगर आपने एक्ट अच्छे से पढ़ा है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपने पढ़े हैं तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। तो आपको जो फोकस एरियाज हैं एक्ट के केस में वो आपको क्या रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, ठीक है। आपको पूरा एक्ट भी बहुत पूरा एक्ट आपको अच्छे से नहीं पढ़ना गाइज, रदर आपको इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हर एक्ट में, इन फाइव एक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर करना, राइट। ये आपको चीजें ध्यान देनी है, सेक्शन अवॉइड कर दीजिए, पूरा एक्ट आपको नहीं पढ़ना है, रादर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, राइट गाइस। सो गाइस नाउ क्वेश्चन इज, हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से कौन से एरियाज है, कौन से सब कंपोनेंट्स हैं, अब क्वेश्चन इसके उसको प्रिपेयर कहां से करना, राइट। हमें पता चल गया कि स्कीम्स वाले में कौन से हेड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, एक्ट्स वाले में कौन से एक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, अब हमें पढ़ने कहां से हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, राइट। तो यहां पे अगर हम बात करें गाइस EPF की, राइट, EPF की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं epfindia.gov.in, यहां पे वेबसाइट है जिसके थ्रू आप EPF से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारे इंपॉर्टेंट फीचर आप यहां से कवर कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली वी टॉक अबाउट NPS एंड अटल पेंशन योजना एक्सेट्रा, सो यहां पे आप नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट यहां पे रेफर कर सकते हैं, यहां पे आपको NPS और API से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, राइट। तो जो भी यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा डेफिनेटली वो यहां पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो आप इस स्कीम के लिए आप ये वाली जो वेबसाइट है उसको रेफर कर सकते हैं गाइस। एंड फॉर PPF एंड ओल्ड पेंशन स्कीम यू हैव टू गूगल, ठीक है, आपको गूगल करना पड़ेगा, गूगल में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको मल्टीपल रिवाइज करते रहिए, राइट गाइस। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये तो हमने डिस्कस किया यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड, राइट। अब इसके अलावा जो अदर स्कीम्स हैं गाइस, तो आप जो भी कंपाइलेशन या जो भी आप सोर्स रेफर कर रहे हैं स्कीम्स के लिए उसमें आपको फिल्टर करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि सपोज अगर आपके पास 100 पेज का स्कीम्स डॉक्यूमेंट है तो उसमें आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि जो भी इन हेड से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं आपको उन्हें ही कवर करना पड़ेगा, सारी की सारी स्कीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, राइट। तो यहाँ पे इन हेड से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होगी वो आपको उस पर्टिकुलर कंपाइलेशन में से आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा और उन सारी चीजों को आपको कवर करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द स्कीम। इफ वी टॉक अबाउट सोर्सेस टू कवर लॉस, ठीक है, हमने डिस्कस किया दो सब कंपोनेंट है, दैट इज स्कीम्स और लॉज, राइट। तो यहां पे हमने स्कीम्स का तो सोर्स देख लिया किस तरीके से आप कवर कर सकते हैं, आपको एक्ट कहां से कवर करना है, राइट। तो यहां पे labor.gov.in मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर जाकर आप ये सारे के सारे एक्ट कवर कर सकते हैं, राइट गाइज। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी का एक कॉलम यहाँ पे दिया होगा साइड में ऑप्शन, वहां पे जाएंगे तो सारे के सारे एक्ट आपको यहाँ पे इजिली मिल जाएंगे गाइज। बेयर एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बेयर एक्ट ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी एक्ट कवर करना है तो बेयर एक्ट से बेस्ट कुछ भी नहीं होता है, तो आप वो बेयर एक्ट रेफर कर सकते हैं, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट वाला जो पोर्शन है, जो सब कंपोनेंट है, उसको आप यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से यहां से जाकर रेफर कर सकते हैं, राइट। आपको कोशिश करना है कि सारे के सारे जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो आप कवर कर लें, क्योंकि अगर कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट आता है डेफिनेटली क्वेश्चन वहां से कुछ ना कुछ तो फ्रेम हो ही जाते हैं, राइट। तो वो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है।
And guys, one important disclaimer or caution I can say, do not read cover to cover. It is always important to filter as per exam needs. ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं स्कीम्स, तो स्कीम्स तो बहुत बड़ी है, पर आपको सारी स्कीम्स नहीं पढ़ना है, आपको एग्जामिनेशन के डिमांड के हिसाब से पढ़ना है. ठीक है, जो भी एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको उसके अकॉर्डिंग चीजें कवर करनी है. तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है. ठीक है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए आप अपियर हो रहे हो. तो गाइस, ये सारे सोर्सेस थे. ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, आपके लिए टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है सारे सोर्सेज इंडिविजुअली जा जाकर देखने के लिए, तो गाइस आप हमारे कोर्सेज भी रेफर कर सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से इन्हीं एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड है. कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी. सारे आपको वहां पे फोकस करने की जरूरत है, बस रिसर्च नहीं करना, फिर आपको कुछ भी सारा कॉन्टेंट आपके पास रहेगा, बस आपको पढ़ना है और उसे रिवाइज करते रहना है. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है विद रिस्पेक्ट टू द सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है. राइट, सो विल मीट इन अनदर सेशन. टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स.